नसरुल्लागंज में खुले ट्रांसफार्मर दे रहे हैं हादसों को आवंटन। बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। नगर में कई जगह कई हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के कटआउट बॉक्स खुले पड़े हैं। मुस्लिम मोहल्ला कब्रिस्तान के गेट पर ऐसे ही ट्रांसफार्मर खुले पड़े हैं, जहां आए दिन शव यात्रा के दौरान सैकड़ों लोग इनके साथ रहते हैं। वही देखा गया कि सद्दाम कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल के पास भी खुला ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। सैकड़ों बच्चे रोज निकलते हैं, जिनसे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर बिजली विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई ट्रांसफार्मर तो जो लोगों की पहुंच में है, बावजूद उन्हें दुरुस्त नहीं किया जाता। कंपनी के रखरखाव का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि नगर के प्रमुख मार्ग, जहां से प्रतिदिन नेता अधिकारी स्वयं बिजली कंपनी के कर्मचारी अधिकारी निकलते हैं, ऐसे स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर के गेट तक नहीं है। नगर में प्रमुख मार्ग, बस स्टैंड के सामने, मजिस्ट्रेट निवास के सामने लगे ट्रांसफार्मर में गेट नहीं है। ऐसे ही नीलकंठ चौराहे पर अदालत एवं थाने के पास लगा मुख्य मार्ग के सामने के ट्रांसफार्मर में आगे से छोटे मोटे दुकान अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। खुले ट्रांसफार्मर जो कभी भी किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। मऊ में 9 मई को करंट लगने के बाद एक बंदर की मृत्यु हो गई, जिसका ग्रामीणों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था। उसी के दौरान ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि बंदर का विधि विधान के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। उसी के चलते दसवें के दिन दशा का कार्यक्रम भी किया गया, जिस पर गांव के कुछ लोगों ने मुंडन भी कराया व पूजन पाठ भी कराया। बुधवार को 13वीं की रस्म की गई, जिसमें पंडित द्वारा रस्म कराई गई, जिसके पश्चात अन्नदान के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष एवं बच्चों को प्रसाद ग्रहण कराया गया। व्यक्ति की मौत के बाद जो सारे कार्यक्रम परिजनों द्वारा किए जाते हैं, उसी प्रकार बंदर की मृत्यु के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम किया और क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन पहली बार देखने को मिला है। उक्त कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग दिया। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये हमारे गांव में एक भगवान की सेना का जो कपि था, उसके करंट लगने से मौत हो गई थी दिनांक 9 मई को, तो उसका आज हमने 13वां कार्यक्रम रखा है और उस उपलक्ष्य में सारे गांव के लोगों को और आसपास जो भी जिनको हमने सूचना भेजी है भजन के लिए बुलाया, उसका भंडारा रखा गया। क्या यहाँ पर जो व्यक्ति की मौत के दौरान जो प्रक्रिया की जाती है कार्यक्रम को लेकर, वो पूरी विधियाँ यहाँ पर की गई? पूरी वैसी की वैसी की गई, जैसे पगड़ी की रस्म, घाटे की रस्म और उसके उसमें मुंडन होना और जो पगड़ी मामा की तरफ से लाते हैं, इस तरह से जो भी कार्यक्रम होता है व्यक्ति के विषय तरह से पूरी तरह से वो कार्यक्रम। और आज सार्वजनिक रूप से यहाँ पर भंडारा का सार्वजनिक भोज रखा गया पूरे गांव का, मतलब सभी लोगों का और जो आसपास के लोग, उनको भी सूचित किया गया, जो भी आएगा उनको सबका भोजन। कलेक्टर एस विश्वनाथ ने आज पॉलिटेक्निक में मतदान की गणनाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह बिरदे, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोयल एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर ने विधानसभाओं के लिए अलग अलग बनाए गए मतदान गणना कक्षों को देखा, मतदान दलों के लिए आयोजित ट्रेनिंग सेशन को भी संबोधित किया। कलेक्टर श्री विश्वनाथ ने अवगत कराया कि 29 बैतूल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जिले की विधानसभा सेगमेंट 131 टिमनरी एवं 135 हरदा की गणना 23 मई को सुबह प्रातः 8 बजे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में कराई जाएगी। प्रदेश में पहली बार हरदा जिले में संपूर्ण मतदान का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा।